प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएसई क्लास 5 की इंग्लिश का चैप्टर 9 द स्टार की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लेकर आया हूं। इससे पहले हमने 8 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और ये हमारा 9th चैप्टर है। हम इनके क्वेश्चन आंसर भी साथ ही साथ कवर करते जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 द स्टार। बच्चों, आपने आसमान में तारे देखे होंगे ना, और आपने बचपन में कुछ नर्सरी की पोइम्स भी याद की होंगी। आपको कोई पोइम याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली? ठीक है, आपकी सबसे फेवरेट पोइम में भी एक यही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन अपनों ने जो नर्सरी क्लास में पढ़ा था ना, उसकी सिर्फ 4 लाइनें पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। ये जो पोइम है ये उससे काफी बड़ी है। तो आज हम इसी पोइम को पूरा पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्टार। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक मैंने बताया है आपको कि किस तरह से आसमान में तारे ट्विंकल करते। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। जो तारे हैं, जैसे सूरज तो क्या पूरा चमकता है, तारे टिमटिमाते हैं। तो ये जो तारे हैं, इसकी पॉइंट एक इमेजरी देता है कि ये तारे आसमान में हीरो की तरह चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। तो अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। पहला यही है कि चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर नर्सरी राइम्स? आपको जो आपने नर्सरी क्लास में पोएम्स पढ़ी थी, वो जो बाल गीत कविताएं पढ़ी थी, क्या आपको वो याद हैं? तो इसका आंसर ये आएगा, यस आई रिमेंबर सम नर्सरी राइम्स, मुझे कुछ नर्सरी की राइम्स याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन डू यू रिमेंबर, आपको कौन सी पोएम याद है? तो आई रिमेंबर 1, 2, बकल माई शू, जैक एंड जिल, हम्पी डम्पी, सिट ऑन ए वॉल। तो ये सब पोएम्स हमें याद हैं। इनमें से आपकी फेवरेट पोएम कौन सी है? तो बच्चों, आपकी जो फेवरेट पोएम हो आप वो लिख देना। मेरी फेवरेट पोएम जैक एंड जिल है। तो क्या आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोइम याद है? डू यू रिमेंबर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। तो इसका आंसर है यस आई रिमेंबर दिस पोइम, मुझे ये पोइम याद है। डू यू नो इट हैज मोर लाइंस देन यू रीड इन नर्सरी क्लासेस? क्या आप जानते हैं कि नर्सरी क्लास में तो हमने सिर्फ इसका एक स्टैंजा पढ़ा था, लेकिन वास्तव में इस पोएम में कई स्टैंजा है। तो आज हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो पोएम है, हम उसको पूरा पढ़ेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो सब मैंने यहाँ रेड पेन से लिख दिए हैं। जैसे वंडर का मतलब होता है उत्सुक, अबव मतलब ऊपर, हाई मतलब ऊंचा, लाइक मतलब के जैसा, डायमंड मतलब हीरा, और स्काई मतलब आसमान। तो पहले स्टेंजा का मतलब है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये जो एक बच्चा है, ये अपने घर में बैठा हुआ अपनी बालकनी से रात को, अंधेरी रात को आसमान में देखता है, तो उसे कहीं दूर एक छोटा सा चमकता हुआ तारा, टिमटिमाता हुआ तारा नजर आता है। तो बच्चा बोलता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टिमटिमाता टिमटिमाता छोटा सा तारा। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बच्चा ये जानना चाहता है, उसके अंदर एक उत्सुकता है व्हाट यू आर, कि आप कौन हो। अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई, आप इस दुनिया से बहुत ऊपर हो, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, और आप आसमान में एक हीरे की तरह चमक रहे हो।
When the blazing sun is gone, जब वो धधकता हुआ सूरज चला जाता है, दिन में तो सूरज होता है तब हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं, आप भी आसमान में देखते हैं ना, दिन में हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं। When nothing shines upon, जब सूरज चला जाता है और आसमान में कुछ नहीं चमक रहा होता है, Then you show your little light, तब तुम अपना जो तुम्हारे पास छोटा सा प्रकाश है तुम हमें वो दिखाते हो। Twinkle twinkle all the night, और सारी रात तुम टिमटिमाते रहते हो। Then the traveler in the dark, और जो अंधेरे में ट्रैवलर होता है, यात्री, अंधेरे में जो यात्री होता है, थैंक्स फॉर योर टाइनी स्पार्क, वो तुम्हारी वो जो थोड़ी सी रोशनी है उसके लिए तुम्हें धन्यवाद देता है। देखिए इस इमेज में तो आप देख रहे हैं कि बच्चा आसमान में तारे देख रहा है, और इस इमेज में ये जो ट्रैवलर यात्री है वो रात को यात्रा कर रहा है, तो उसे प्रकाश दिखाने के लिए सिर्फ तारे हैं, तो ही तो वो कह रहा है थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क। हाउ कुड ही सी वेयर टू गो इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, अब उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसे कहाँ जाना है, रास्ता कहाँ पर है, अगर आप टिमटिमाओगे नहीं तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। इन द डार्क ब्लू स्काई यू कीप, और जो वो ऊपर गहरा नीला आकाश है उसमें तुम हमेशा रहते हो। ओफन थ्रू माई कर्टन्स पीप, और हमेशा आप मेरे जो कर्टन होता है पर्दे, जो हमारे घर में पर्दे लगे होते हैं ना, वो पर्दे जो हम अपने रूम्स में लगाते हैं पर्दे, तो आप मेरे घर के पर्दों से झांकते रहते। देखिए ये जो है बच्चे ने अपने रूम में पर्दा लगा रखा है, ये जो नीले रंग का पर्दा है, और उस पर्दे में देखिए तारे जो हैं वो झांक रहे हैं। पीक मतलब झांकना। फॉर यू नेवर शट योर आई टिल द सन इज इन द स्काई, क्योंकि आप कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करते हो, जब तक कि आसमान में सूरज है तब भी आप अपनी आंखें बंद नहीं करते हो, बल्कि आप पर्दों से मुझे झांकते रहते हो। As you bright and tiny spark lights the traveler in the dark, आपकी जो थोड़ी सी चमकीली रोशनी है वो अंधेरे में उस यात्री को हेल्प करती है। Though I know not what you are, twinkle twinkle little star, हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटे छोटे टिमटिमाते तारे, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन आप यात्री को अंधेरे में मदद करते हो, बस मैं आपको यही जानता हूं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में उस छोटी सी पोएम के बारे में पढ़ा जिसे आप छोटी समझते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन अब बच्चों आपको पता चल गया होगा ना कि ये पोएम छोटी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी पोएम है। तो प्यारे बच्चों ये जो पोएम है ये जेन टेलर ने लिखी है, और अब इस वीडियो में हमने इस पोएम को पढ़ा है, अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, तो आप अगली वीडियो को भी जरूर देखना। हम हर लेसन पर दो वीडियो बनाते हैं, फर्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसके अलावा हमने हिंदी, मैथ्स, एसएस, ईवीएस इन सब पर भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी जरूर देखना ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, आप क्लास में फर्स्ट आओ। Thank you. Have a good day.